ऐसे तो हम सब हिंदी में बोलता हूं, लेकिन मोदी जी को तेलुगु भाषा इतना दिल से प्यारा है, उन्होंने निर्मला जी को बोला कि आप तेलुगु भाषा में बोलिए, तो उन्होंने तेलुगु में बोला। हम लोग थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझा, लेकिन मोदी जी का दिल में तेलंगाना के लिए जो मैंने सम्मान देखा, इसके लिए मैं आप लोगों को भी अभिनंदन करता हूं और मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूं। भारत रत्न का घोषणा हुआ, कांग्रेस का लीडर था पीवी नरसिम्हा राव जी, लेकिन कांग्रेस ने उनको कभी भारत रत्न नहीं दिया। किसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया? नरेंद्र मोदी जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं आदिलाबाद जिला में हूं। अभी अभी हमारे जो विधानसभा का चुनाव हो गया, आदिलाबाद से हमारा चार एमएलए जीता, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारा कार्यकारिणी में जो भाषण दे रहा था, उन्होंने बोला कि सार प्रदेश का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश हमने जीता, छत्तीसगढ़ हमने जीता, राजस्थान हमने जीता, लेकिन तेलंगाना हम हार सकता हूं, लेकिन तेलंगाना में भी हमारा वोट डबल हुआ, दो गुना बढ़ा तेलंगाना में, यह सबसे बड़ा बात हुआ। 2018 साल में हमारा वोट शेयर 6.8% थे, लेकिन इस बार हमारा वोट शेयर 13.9% हुआ। हमारा दो विधायक था, इस बार 8 विधायक हुआ, और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो 8 विधायक है ना, यही अगली बार 80 विधायक बनाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, जब जब तेलंगाना में चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी हमेशा ये बोलते हैं कि बीजेपी और बीआरएस का अलायंस होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, हमारा कोई अलायंस वैलायंस नहीं होगा, हम अपना दम पे तेलंगाना लड़ेगा और हमारा दम पे हम लोग तेलंगाना जीतेगा, ये हमारा विश्वास है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा अभी भारत का माहौल क्या है। हम लोगों ने तो, हमारा आदिलाबाद मुधल के लोगों ने कुमारम भीम का नेतृत्व में हमने राजाकार का खिलाफ लड़ा था। यही स्थान है, यही पवित्र स्थान है जहां में हम राजाकार का खिलाफ लड़ा था, लेकिन राजाकार खत्म नहीं हुआ, नया नया राजाकार आज भी जिंदा है और ये राजाकार लोगों को हम लोगों को दोबारा हरवाना है। ऐसा ही एक राजाकार कहां था? यूपी में था। क्या नाम में था? बाबरी मस्जिद का नाम में था, लेकिन अभी अभी मोदी जी का नेतृत्व में वो बाबर वाला मस्जिद खत्म हो गया और राम का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आज पूरा देश में उत्साह और उमंग है। 500 साल हिंदुओं ने इंतजार किया कि कब रामलला का मंदिर बनेगा, कब रामलला का मंदिर बनेगा, लेकिन ये कांग्रेसियों ने मंदिर बनने नहीं दिया था। भारत का लोगों ने पहले कांग्रेस को हटाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और साथ साथ में भारत का लोगों ने राम मंदिर भी बना के दिखा दिया कि आप हिंदू को दबा नहीं सकते हो। दो दिन आप कांग्रेस का सहारा में, दो दिन आप हिंदू को दबा सकते हो, लेकिन भारत का लोगों का मन में इतना हिम्मत है कि हिंदू को जो दबाता है वो भी दब जाता है और सनातन का ही जय जयकार होता है। ये भारत का परंपरा है, 5000 साल का परंपरा है। भाई और बहनों, हमारा देश 10वां अर्थनीति था, 10th इकोनॉमी था। आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारा देश 5th इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड बना। अभी मोदी जी बोल रहा है कि ये मोदी का गारंटी है, हमारा देश 3रा इकोनॉमी भी बनेगा, ये मोदी जी का गारंटी है। लेकिन मेरा तो मन में विश्वास है, मोदी जी
प्रधानमंत्री तीसरा बार बनेगा, देश को तीसरा इकोनॉमी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मोदी जी देश का लंबा समय तक प्रधानमंत्री रहेगा और मेरा विश्वास है अमेरिका और चाइना को भी पीछे करके भारत वर्ल्ड का एक नंबर इकोनॉमी बनेगा, ये भी मेरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, मैं जब तेलंगाना में आया पहले ही मैं यहाँ आके पूछा कांग्रेस का सरकार कैसा काम कर रहा है, 2 लाख नौकरी हो गया क्या? मैंने ये पूछा नौकरी हो गया क्या 2 लाख, कांग्रेस ने 2 लाख नौकरी दिया क्या? मैं तेलंगाना में चुनाव का समय तेलंगाना में था, 2 साल मीटिंग भी किया और मैंने देखा कि कांग्रेस लोगों ने ऐसा कैलेंडर पब्लिश किया कि कौन दिन कौन जॉब का एडवर्टाइजमेंट होगा। तब मैंने जब ये कैलेंडर मैंने देखा तब मेरा मन में यही दुख था कि पॉलिटिकल पार्टी आप इलेक्शन लड़ना चाहिए जीतना चाहिए अलग बात है, लेकिन आप कितना झूठ बोल सकता है। तेलंगाना में राहुल गांधी ने क्या बोला कि हमारे ये कांग्रेस का जॉब कैलेंडर है और 2 लाख जब तेलंगाना का बच्चा को मिलेगा डेट भी देखेगी। आज एडवर्टाइजमेंट निकाला है क्या? आज ये एडवर्टाइजमेंट निकाला है क्या? आज तो किसी को ये एडवर्टाइज का तो दिखाई भी नहीं देता है। माताओं का बैंक अकाउंट में 2,500 रुपया आना शुरू हो गया क्या? 2,500 रुपया आ रहा है क्या? आज आप लोग देख सकता है कि आज तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार हुआ, तेलंगाना में जो गारंटी का बात बोल रहा था एक गारंटी भी काम में नहीं आया। देश में एक ही गारंटी चलता है वो मोदी की गारंटी चलता है और देश में किसी का गारंटी नहीं चलता है। जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना मोदी जी ने बोला था कि हम देश का गरीबों को गरीबियों का सीमा रेखा से उतार के हम मिडिल क्लास एक नया मिडिल क्लास बनाऊंगा। आज भारत का हर जगह में गरीबों का उत्थान हुआ, प्रधानमंत्री का जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री का कृषक सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री जी का जल से नल का योजना हो, सारे योजना जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था चुनाव का पहले एक एक करके उन्होंने निभाया। लेकिन आप लोग देख सकता है कांग्रेस सरकार ने कहीं भी कुछ काम नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश में गया बोला हम 5 लाख नौकरी का व्यवस्था करूंगा, आज हिमाचल का कांग्रेस एमएलए पूछ रहा है कि ये 5 लाख नौकरी कहां गया। फिर उन्होंने कर्नाटक में गया पूरा झूठ का भंडारा खोल दिया, एक भी गारंटी काम में नहीं आया। फिर हैदराबाद आया तेलंगाना में उन्होंने राहुल गांधी प्रियंका गांधी में बोलना शुरू किया कि हमारा ये गारंटी है और हम गारंटी पूरा करेगा। भाई और बहनों, कुछ भी काम नहीं हुआ। आज आप बोल सकता है क्या हमारा जो विडो पेंशन था कांग्रेस बोला था 4,000 रुपया होगा, हुआ क्या? वृद्ध पेंशन उन्होंने बोला था 4,000 रुपया होगा, हुआ क्या? आप अभी राहुल गांधी आने से आप पूछिएगा उनको झूठ बोलने का ट्यूशन तुम कहां से लिया था, उनको ये पूछना। अभी अभी असम में था राहुल गांधी को मैं टाइप करके उनको भेज दिया हूँ कि बेटा चलो जल्दी यहाँ तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। और मेरा विश्वास है तेलंगाना में भी एमपी इलेक्शन में उनका झूठ नहीं चलेगा। तेलंगाना का लोग प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को ही जिताएगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख सकता है कि कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस का पॉलिटिक्स हिंदू के लिए नहीं है। आज अयोध्या में राम मंदिर बनता है कांग्रेस को बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, ये मंदिर का उद्घाटन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं है, आप भी आइए आप भी शामिल होइए। लेकिन सोनिया गांधी ने भी वहां नहीं किया, राहुल गांधी भी नहीं किया, खड़गे जी भी नहीं किया, कोई वहां नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या हिंदू से तुम्हारा मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदू से पॉलिटिक्स नहीं है?
हमेशा की राधा का और बाबर का साथी तुम रहेगा। अरे समझ लो, ये देश राधाकर और बाबर का साथ नहीं रहेगा, ये देश राम और कृष्ण का साथ रहेगा। ये बात कांग्रेस लोग आप लोग समझ लो। भाई और बहनों, मेरा दुख लगते है 500 साल बाद हिंदू का भव्य राम मंदिर बना, कांग्रेस लोग नहीं आया। लेकिन हमारा तेलंगाना का सीएम क्या करता है, पब्लिक की जमात में वो पैसा देता है। कर्नाटक का सीएम क्या करता है, वाटर पंप में पैसा देते हैं। भाइयों और बहनों, हम कांग्रेस लोगों को बोल देना चाहिए, ये भारत का जो निर्माण है, भारत का निर्माण में अगर कोई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, हमारा हिंदू भाई बहन ही करता है। और आपका जो खजाना है, वो खजाना खाली एक जाति के लिए नहीं है, ये खजाना भारत का गरीबों के लिए होना चाहिए, ये खजाना देश का उत्थान के लिए आपको खर्चा करना चाहिए। भाई और बहनों, आप लोग देख लीजिए, चुनाव जब हो जाएगा उसका बाद तो कांग्रेस का सरकार एक भी काम नहीं करेगा, गारंटी वारंटी भूल जाएगा, वो लोग कुछ नहीं करेगा, खाली झूठ बोलने के लिए वो लोग तेलंगाना आया था। मैं तो हैरान हो गया था कि जब वो लोग ऐसे एक का ऊपर एक झूठ बोलते गया कि हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा 200 यूनिट, 2500 महिलाओं का बैंक अकाउंट में डालूंगा, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन हम 4000 रुपया करूंगा, हम स्टूडेंट को 5 लाख रुपया का भरोसा कार्ड दूंगा, हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 लाख से 10 लाख करूंगा। लेकिन आज क्या किया आपने, तो कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम लोग क्या करता हूं, तेलंगाना बहुत बड़ा प्रदेश है, असम छोटे प्रदेश है, लेकिन मैं चुनाव में वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारा माता और बहनों का अकाउंट में हम 1250 रुपया करके दूंगा। और आज से 3 साल से असम का माता और बहनों का अकाउंट में 1250 रुपया जाते हैं। मैंने जब शासन भर संभाला, मोदी जी का आशीर्वाद से मैंने असम का लोगों को बोला था कि असम में हमारा सरकार होगा तो 1 लाख नौकरी हम देने का काम करूंगा। आज हम 96,000 नौकरी दे चुका हूं, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, आप लोग गूगल करके देख सकता है। असम छोटा प्रदेश है, तेलंगाना बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस दोनों ने तेलंगाना का साथ धोखा किया, किसी ने काम नहीं किया तेलंगाना के लिए। तेलंगाना का सरकारी कर्मचारी तनख्वाह मिलता है 7 तारीख 10 तारीख 15 तारीख, लेकिन असम का सरकारी कर्मचारी 1 तारीख को ही तनख्वाह मिलता है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, पेट्रोल का लीटर कितना है तेलंगाना में, कितना रुपया है, 110 रुपया, 109 रुपया है, और असम में कितना है आप लोग अंदाज कर सकता है। असम छोटा प्रदेश है, असम में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 98 रुपीज है, और तेलंगाना बड़ा प्रदेश है, तेलंगाना में 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, 109 रुपया, 110 रुपया है। क्यों ऐसा होता है, गरीब का खून आप क्यों सोचता है, आपका गरीब का खूनों से क्यों इतना प्यार है। पेट्रोल में कौन डालते हैं तेल, पेट्रोल में स्कूटर मोटरसाइकिल में तेल डाला जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल कौन चलाता है, हमारा मध्यम वर्ग का लोग चलाता है। इतना बड़ा बड़ा आके लेक्चर देता है, मोदी जी ने क्या किया क्या किया, अरे मोदी जी का स्टेट में पेट्रोल का दाम 96-98 रुपीज है और तुम्हारा सरकार में 110 रुपया है, ये तुम समझ लेना। भाई और बहनों, लोग पूछता है मोदी जी क्या किया, अरे कोविड का समय राहुल गांधी का घर से वैक्सीन आया था क्या, राहुल गांधी ने वैक्सीन बनाया था क्या, राहुल गांधी क्या बोला था, मोदी वैक्सीन हो मत लेना, लेने से मर जाएगा, लेकिन चुपचाप जाके खुद ले लिया मोदी जी का वैक्सीन, पहले वही जाके मोदी जी का वैक्सीन ले लिया। भाई और बहनों,
बोलता है मोदी जी क्या किया, और जो मोदी जी नेशनल हाईवे बनाए ना उसका ऊपर ही राहुल गांधी प्रियंका गांधी रोड शो करता है। नेशनल हाईवे कौन बनाया? मोदी जी ने बनाया। और वो नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ी में उठ के डांस कौन करता है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करता है। भाई और बहनों, ये राहुल गांधी जो है ना, ये झूठ का सिवा दुनिया में उन्होंने और कुछ नहीं सीखा। कभी कभी तो मेरा लगता है उनका अकल भी है कि नहीं। कभी कभी बोलते हैं आलू से सोना भी निकल जाते हैं, ऐसा भी बात वो बोलना शुरू कर देते हैं। भाई और बहनों, अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। मैं बोला ठीक है भैया, खूब करो भारत जोड़ो यात्रा। पहला बार भारत जोड़ो यात्रा किया तो तीन तीन स्टेट का चुनाव हार गया। अभी थोड़ा और घूमो, पूरा देश ही तुम्हारा हाथ से निकाल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस सरकार को हमारा शासन में आने नहीं देना है। आदिलाबाद का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, हम लोग राजाकर का खिलाफ जिंदगी भर लड़ा, हमारा लोग शहीद हुआ। लेकिन आज आप लोग सोच सकता है, ये राजाकर को नौकरी में रिजर्वेशन दूंगा, ये कौन बोलता है? कांग्रेस बोलता है, बीआरएस बोलता है। सेपरेट बजट बनाऊंगा राजाकर के लिए, कौन बोलता है? बीआरएस बोलता है, कांग्रेस बोलता है। और आज मैं ये दावा का साथ बोल सकता हूं कि भारत में अभी और झूठ का भंडारा नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी देश में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। लोग तो बोल रहा है मोदी जी अगली बार 700 पार, वो तो होने वाला है। मोदी जी बोल रहा है हम 370 से ज्यादा सीट मिलेगा ही। 370 धारा जब खत्म हो गया तो हमें तो 370 सीट मिलना चाहिए ना, सही है कि नहीं चाहिए? कश्मीर में हम 370 खत्म कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट में तो बीजेपी का 370 बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन आप लोग याद रखिए, मोदी जी तो बोल रहा है कि हम लोग 370 पार करेगा, और करेगा तो करेगा, लेकिन मेरा मानना है कांग्रेस 30 से भी नीचे जाएगा। कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेगा, कांग्रेस को खाली बाबर और राजाकर का ही वोट मिलेगा, और किसी का वोट उनको मिलने वाला नहीं है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को यही विनती करता हूं कि धीरे धीरे तेलंगाना में हमारा पार्टी बढ़ रहा है, तेलंगाना में धीरे धीरे लोग समझ रहा है कि बीआरएस से नहीं चलेगा देश, कांग्रेस से भी नहीं देश चलेगा। हमारा पार्टी का बहुत बड़ा एक उज्जवल भविष्य है तेलंगाना में। तेलंगाना का कार्यकर्ता लोगों को मैं निवेदन करूंगा, हमारा असम में भी बीजेपी को 2 से 5 सीट भी पहले मिलते थे, लेकिन अभी तो हमको 78 सीट मिला। और अभी मैं असेंबली में बोल के आऊंगा, अगली बार सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारते हैं, हम भी असम में सेंचुरी मारूंगा, ये मैं बोल के आया हूँ। इस बार असेंबली में हमारे 126 सीट है, और मैं इस बार असेंबली में बोल के आया हूँ कि हमें 103 सीट मिलेगा। आउट ऑफ 126 हम लोग 103 सीट तक आएगा। क्यों आएगा? इसलिए जहां में भी मोदी जी का सरकार बनता है, एक इंजन काम नहीं करता है, डबल इंजन काम करता है। और मोदी जी जैसा इंजन काम करता है, तेलंगाना में क्या होता है? राहुल इंजन काम करता है। राहुल इंजन तो सड़क खोद ही नहीं जा सकता है, लोगों को कैसे लेके जा सकता है? मैंने चुनाव में तेलंगाना में बोला था कि राहुल का गारंटी को विश्वास मत करो। लोगों ने बोला क्यों नहीं करना चाहिए? मैं बोला राहुल खुद का गारंटी खुद नहीं ले सकता है, राहुल का गारंटी सोनिया गांधी नहीं ले सकता है, वो राहुल तेलंगाना को कैसे गारंटी देगा? आज देखिए, आज मेरा बात सच हो रहा है। आज आप लोग देखिए, यहाँ क्या बोला था, इंदिरा माँ इल्लू बनेगा, आपको घर मिलेगा। सभी तेलंगाना आंदोलन कार्यकर्ता को 250 प्रति वर्ग का जमीन मिलेगा, क्या क्या बोला था, जितना मुंह में आया सब कुछ बोल के दिया, लेकिन कुछ तो नहीं आया, बराबर आंदोलन निकला, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो काम ही नहीं हुआ, और आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। ये जो कुछ करने वाला है ना, ये काम तेलंगाना में बीजेपी को करना है, और बीजेपी ही तेलंगाना
तेलंगाना के लिए करेगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीट भी जीतना है और मोदी जी को भाई को विजय भी देना है। आज से हमारा विजय संकल्प यात्रा शुरू हो गया है और ये विजय संकल्प यात्रा तब थमेगा जब मोदी जी तीसरा बार 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री तीसरा बार बनेगा, तब तक ये हमारा संकल्प जारी रहेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आदिलाबाद में आने का मेरा सौभाग्य हुआ, मुधोल में आने का सौभाग्य हुआ और मेरा ये भी अच्छा लगा है कि महेश्वर रेड्डी जी को हमारा फ्लोर लीडर बनाया गया है। पहले मैं महेश्वर रेड्डी जी का बात क्यों निकाला, मैं भी कांग्रेस में था और मैं 2015 साल में निकाला और कांग्रेस के निकालने का कारण मैं चीफ मिनिस्टर भी बन गया। देश को सेवा करने का मुझको सुविधा भी हो गया। हमारा महेश्वर रेड्डी जी भी अभी कांग्रेस से निकाला है, तुरंत एमएलए भी बना, तुरंत लीडर भी बन गया। इतना चमत्कार मोदी जी ही कर सकता है। भाई और बहनों, तैयार हो जाइए, विजय संकल्प दिवस आज से शुरू हो गया। हम तब तक रेस नहीं लेगा जब तक नरेंद्र भाई मोदी तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।